हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, और इसका एलाबरेट यानी डीपली व्लॉग भी मैं आने वाला है बनाऊँगा। ये दोस्तों इसे कहते हैं सालम पंजा। पंजा ये मिश्री होती है क्योंकि ये अपने हथेली के जैसा दिखता है। अगर आप इसको गौर से देखें, ये हथेली जैसा दिखता है, इसमें डुप्लीकेसी बहुत आती है। ये ओरिजिनल है, मतलब आप जानते हैं मेरे पास सब चीज़ ओरिजिनल मिलती है। इसलिए आती है दोस्तों क्योंकि ये रेयर है, मतलब ये क्वांटिटी कम आती है और एक्सपेंसिव बहुत है। इसका मात्रा यानी इसकी जो प्राइस है वो बहुत है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सालम गट्टा, ये इसी की फैमिली से है। यानी तीन चीज़ें होती हैं, ये सालम पंजा है, ये सालम गट्टा है, और सालम मिश्री आती है दोस्तों इसमें, जो इन दोनों से एक्सपेंसिव रहती है। सालम मिश्री का भी व्लॉग मैं आपको बताऊँगा, उसका डीप व्लॉग बनाऊँगा, अच्छे से बताऊँगा। और फिलहाल मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, इन दोनों के बारे में, कि ये दोनों जो चीज़ होती हैं ये मिश्री के रूप में आती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। मतलब इसमें हीट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्म का कोई इसमें कोई संबंध नहीं है। ये तासीर इनका ठंडा होता है, ज़्यादा हीटेड होती नहीं है। या आप दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये है, यानी सालम पंजा एक्सपेंसिव है, और ये चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये गट्टा आता है, गट्टा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसका जो मोटाई है वो इसके कंपेयर से ज़्यादा होती है गट्टे की। और मिश्री जो आता है वो इन दोनों से उत्तम है, यानी उसकी जो ताकत है वो इन दोनों से कम 20 गुना ज़्यादा है। तो आप सालम पंजा इसे कहते हैं, सालम गट्टा इसे कहते हैं, आप ध्यान रख लीजिए। सालम मिश्री का भी मैं आपको बनाऊंगा दोस्तों व्लॉग, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए मैंने आप इन दोनों को बताया, ये आप महिला पुरुष दोनों को दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बारीक पाउडर बना के और किसी भी हर्ब में, यानी अश्वगंधा हुआ, शतावर हुआ, उन सब में किसी भी हर्ब में इसको मिला के आप दे सकते हैं। अकेला मत लीजिएगा, अकेला इन दोनों का पाउडर काम तेज़ी से करेगा, जो आपको अच्छी बात नहीं है। किसी हर्ब में मिला के देंगे आप तो काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो ये सालम पंजा है, ये सालम गट्टा है। इसका डीप व्लॉग यानी इसका एलोब्रेशन मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, उस पर तैयारी चल रही है। तब तक के लिए मैंने आपको ये हिंट दिया जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। और इसका जो कलर है दोस्तों वो एकदम वाइट नहीं होता है। देखो आप जैसे देख रहे हैं, ये एकदम वाइट नहीं होता है, पीलेपन पर होता है, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ होती है वो अपना नेचुरल कलर देता है, देखिए। और ये सालम गट्टा ये भी एकदम काला नहीं होता है, ग्रेइश में होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप बेहिचक लीजिए, काफ़ी अच्छे असर हैं, ताकतवर बहुत है। मतलब जिसके शरीर में गर्मी है उसको अगर ताकत नहीं है तो आप उसको दे सकते हैं इसका पाउडर किसी भी हर्ब में ला के। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग, आई होप पसंद आया हो आप लोगों को। परचेज़ करने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो आप मेरे से परचेज़ भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।